Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi, your computer teacher. So, हमने आपके book के 4 lessons को complete कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे sample paper, ठीक है, जिसमें कि chapter 1, 2, 3 and 4 के questions दिए हुए हैं. Okay? So, आज हम इन questions को करेंगे चिल्ड्रन, आज हम सैम्पल पेपर को करेंगे जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी. ओके, सो आपको इसे अच्छे से लर्न करना है. ओके चिल्ड्रन, सो ओपन पेज नंबर 42 ऑफ योर बुक. चिल्ड्रन, ओपन पेज नंबर 42 ऑफ योर बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे सैम्पल पेपर. ओके, सैम्पल पेपर में क्या होगा चिल्ड्रन, जैसे कि इसमें क्या दिए हुए हैं, आपके बुक के चैप्टर 1, 2, 3 and 4 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो ये क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, कोई चैप्टर 1 का है, कोई 3 का है. ओके, सो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. इससे क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, हमारी रिविजन भी हो जाएगी. सो चिल्ड्रन देखिए, यहाँ पर आपको हिंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. सो फर्स्ट है चिल्ड्रन, डैश इज द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है चिल्ड्रन, उसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, माइक्रोफोन, मॉनिटर, 104, प्रिंटर, आउटपुट, इंफॉर्मेशन. सो द आंसर इज आउटपुट, हाँ आएगा आउटपुट. आउटपुट इज़ द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, हम कोई भी इनपुट डालते हैं चिल्ड्रन तो उससे हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है हर इनपुट का. ओके, सो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर, अब हमें आउटपुट डिवाइसेस के नेम बताने हैं, ठीक है. सो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, माइक्रोफोन, मोनीटर, प्रिंटर, आउटपुट, इंफॉर्मेशन. सो मोस्ट कॉमन जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं चिल्ड्रन, वो इसमें से है, मॉनिटर एंड प्रिंटर. ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे मॉनिटर एंड प्रिंटर. ओके, नेक्स्ट इज A dash is used to record our voice into a computer. ऐसा क्या है चिल्ड्रन, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं. सो द आंसर इज माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की हेल्प से हम कंप्यूटर में वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं. सो हियर वी विल राइट डाउन माइक्रोफोन. ओके, नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर विद द इंटरनेट एक्ट्स लाइक एन ओशन ऑफ, देखिए चिल्ड्रन, जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इट मीन्स कि हमें इंटरनेट हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है. इंटरनेट पे हम कुछ भी टाइप करके किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. सो इधर आएगा इंफॉर्मेशन. द नेक्स्ट इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज अ डैश कीज, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं चिल्ड्रन, 104. ओके, सो द आंसर इज 104. ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन ट्रू और फॉल्स, हम अब ट्रू और फॉल्स करेंगे, जो सेंटेंस ठीक है, ट्रू है, उसके आगे हम टी लिख देंगे, अदरवाइज एफ लिख देंगे, एफ मीन्स फॉल्स. सो द फर्स्ट इज अ कंप्यूटर कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम, जो कंप्यूटर है वो एक टाइम पर बहुत सारी जॉब्स कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है. सो ये ट्रू है या फॉल्स है चिल्ड्रन, हम यहाँ क्या लिख देंगे, टी, क्योंकि कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है. कंप्यूटर इज नॉट अ कॉस्टली डिवाइस, सो जो कंप्यूटर है वो क्या है, कॉस्टली डिवाइस नहीं है. सो दिस इज फॉल्स, कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर डिवाइस है हमारा, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी होती है चिल्ड्रन, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स. ओके,
नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट. जो आउटपुट डिवाइसेस है उसके यूज से हम फाइनल आउटपुट को, फाइनल रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, उन्हें शो करते हैं. सो दिस इज ट्रू. यही करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस से, क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज अ कीबोर्ड हैज़ टू एंटर कीज. कीबोर्ड पे टू एंटर कीज होती हैं चिल्ड्रन. सो दिस इज ट्रू. ओके नेक्स्ट है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फॉर्म द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ये हमें जंबल वर्ड दिया हुआ है चिल्ड्रन, सो हमें इसे करेक्ट करना है. ठीक है, इसमें हमें कंप्यूटर का कोई पार्ट दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इससे इन वर्ड से कौन सा पार्ट बन रहा है. सो देखिए एम ओ एन आई टी ओ आर मोनीटर. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोनीटर. नेक्स्ट बन रहा है चिल्ड्रन प्रिंटर. पी आर आई एन टी ई आर प्रिंटर. सो हम यहाँ प्रिंटर लिख देंगे. नेक्स्ट इज कीबोर्ड. के ई वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड. ओके चिल्ड्रन, सो आज हम इतना ही करेंगे. आपको इस एक्सरसाइज को क्या करना है, लर्न करना है. बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे.